ये जो चैप्टर 9 है ये क्या है? देखो सोसाइटी में और भी समस्याएं हैं, जैसे एक न एक दिन सबको बूढ़ा होना होता है। बूढ़े का मतलब क्या है? शरीर की एनर्जी कम हो गई। कुछ लोग मेंटेन करते हैं लोचन की तरह, देर से बूढ़े होंगे, जो कम खाएंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, पतले रहेंगे, सही है लोचन, या योगिनी की तरह योग करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे और सिखाएंगे और पैसे भी कमाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक न एक दिन सबको बूढ़ा होना होता है। अब बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सभी व्यक्तियों का एक धर्म है। क्या है? धर्म का मतलब पूजा नहीं है, एक तरह का संस्कार डालते हैं। देखो माता पिता को लोग शुरू से पैर छुपाएंगे, रिगार्ड कराएंगे, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि ये बुढ़ापे में भी ऐसे करता रहेगा, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर डाल दो तो ये उस समय तक भी करता रहेगा। इसलिए हमारी संस्कृति में ये सॉफ्टवेयर डाला जाता है। लेकिन जो भी इस सॉफ्टवेयर का उल्लंघन करता है तो माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी कम, इसका मतलब एनर्जी कम का मतलब क्या है? एनर्जी ही कैपिटल है, पूंजी है। पैसे क्यों मांग रहा है कोई आदमी? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम है और पुत्र पुत्रियों के साथ एनर्जी अधिक है। वैसे माता पिता जड़ हैं और पुत्र पुत्रियां वृक्ष हैं। माता पिता की सेवा न करना, माता पिता को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न करना अपनी जड़ों को काटना है। आप हम सब लोग क्या हैं? माता पिता का एक बीज जो वृक्ष बन गया है, कोई और थोड़ी है, माता पिता का ही बीज है। कहीं दूसरी जगह से थोड़ी आया था आपका बीज या मेरा बीज। और माता पिता भूमि और जल थे। माँ भूमि है, जल है, पिता अग्नि है, उनसे ही ये शरीर बना है, उन्हीं से आया है शरीर। वो ना होते तो ये शरीर आपके पास नहीं होता, ये एनर्जी भी आपके पास नहीं होती और आप इस अस्तित्व में नहीं होते। ये तो शरीर नहीं होता, हो सकता है कि आप किसी दूसरे के माता पिता के यहाँ जन्मते तो दूसरे का शरीर होता, पर ये शरीर नहीं होता। तो ये क्या है? धर्म है हमारा कि माता पिता की आज्ञा का भी पालन करें और उनके जीवन पर्यंत तक उनका ध्यान रखें। एक दिन वो जड़ सूख जाएगी, फिर आप एक दिन जड़ बन जाएंगे और आपकी भी जड़ ऐसे ही, हमारी भी जड़ एक दिन ऐसे ही सूख जाएगी। और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक कि किसी व्यक्ति ने स्टॉप नहीं कर दिया, उन्हें शादी नहीं करनी, विवाह नहीं करना, बस अपने ही हो गया। नहीं तो ये लाखों अरबों वर्षों से चला आ रहा है। आप सोचो तो, कभी तो सोचो कितने लाखों पूर्वज रहे गए, एक के बाद एक कहाँ से चली आ रही जड़। तो कानून बनाने वाले ये जानते थे कि पेरेंट्स को ये पावर दो, ऐसे खराब सॉफ्टवेयर के पुत्र पुत्रियां हो सकते हैं। वैसे गलतियां या आपको या मुझे, मेरे माता पिता या आपको आपके माता पिता अच्छे नहीं लग रहे तो ध्यान रखिएगा, ये गलती सिर्फ माता पिता की ही है, क्योंकि ऐसा गंदा सॉफ्टवेयर मेरे और आपके अंदर उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। अदरवाइज हो ही नहीं सकता। माता पिता एक सही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते तो परमात्मा ने तो एक सही प्रोडक्ट दिया था, लेकिन माता पिता ने क्या किया? उसमें सॉफ्टवेयर गलत इंस्टॉल कर दिया। तो लोग माता पिता को ना सम्मान देते हैं ना कुछ देते हैं। तो माता पिता को सम्मान देना, उन्हें प्रेम करना, प्रेम तो खैर होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता, कर नहीं सकते, करने की चीज नहीं है ये। तो जो लोग कहते हैं ना मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, ध्यान रखना वो 100% झूठ बोल रहा है, कर नहीं सकता। और होता है तो कह नहीं सकता, वो कहेगा ही नहीं कभी। आपको प्रतीत होता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्रतीत होता तो अलग बात है। प्रतीत होगा, प्रेम एक डिफरेंट चीज। प्रेम का मतलब है मेरे से ज्यादा दूसरा मूल्यवान। प्रेम का मतलब क्या है? मेरे से कहीं कोई दूसरा ज्यादा मूल्यवान। मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ तो इसका मतलब मैं अपनी माँ को अपने से भी ज्यादा मूल्य देता हूँ। मैं अपने बच्चे को प्रेम करता हूँ तो मैं बच्चे को उससे भी ज्यादा मूल्य देता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका को प्रेम करता हूँ तो मैं अपने से भी ज्यादा उससे मूल्य। प्रेम का ये अर्थ है, मतलब इम्पोर्टेंट दूसरा। तो माता पिता को भी जब प्रेम करते हैं, लेकिन यदि प्रेम नहीं करते तो यदि मान लो नहीं है तो नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए, बस इतना ही सोचना चाहिए। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई विशेष बात नहीं। कि मेरी जड़ कहाँ है? मेरी जड़ है मेरी माँ, मेरे पिता। मेरे पिता तो नहीं है इस दुनिया में, जयपुर में ही उनकी डेथ हो गई थी। उन्हें कानूनी अधिकार मिला हुआ है। वैसे ये अधिकार उन उद्दंड लोगों के लिए है जो माता पिता को ध्यान नहीं रखते, बाकी के लिए नहीं है, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो माता पिता और जिनकी शादी हो जाए, शादी हो जाए तो शादी के बाद आपसे ही निकले हुए और फूल पत्ते हैं आपके बच्चे। फूल पत्ते क्या हैं? आपके ही बच्चे। तो बच्चे छोटे हैं, 18 साल से कम हैं, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी माता पिता की है। तुमने तो पैदा किया, तुम पैदा मत करो, भगवान देने थोड़े ही आया था। उसे क्या लेना देना कोई बच्चा पैदा हो या ना हो, मत तो करो। कह देते भगवान की देन है, भगवान की देन वगैरह कुछ नहीं, दो लोगों के ही मिलकर देन है। जब दो लोग तय कर लेते हैं भाई ठीक है बच्चा पैदा करना है तो कर लो। जिनके नहीं होते, कोई डिफेक्ट होता है तो वो डॉक्टर करा देते हैं आजकल। तो उनकी भी जिम्मेदारी कानून ने किसके ऊपर डाली? अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है किसी का जो 18 का तो हो गया, लेकिन समझ, बुद्धि, समझ की जगह कह सकते हैं बुद्धि। बुद्धि मतलब जिससे आप अपने रोजमर्रा के कार्य करते हो। बुद्धि मतलब जिससे आप अपने रोजमर्रा के कार्य करते हो, उठना, बैठना, खाना, रहना, सोना और आवश्यकता के अनुसार कमाना, क्योंकि कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे। इसकी जानकारी, इसकी नॉलेज। भूख लगती है तो खाने की आवश्यकता लगती है, मतलब जैसे भूख क्या है? भूख का मतलब शरीर की एनर्जी कम हो गई है। एनर्जी का एक साइकिल है, एनर्जी का मूल स्रोत तो सूरज है। तो साइकिल है, तो साइकिल विभिन्न चीजें मिलकर फूल पत्ती जीव जंतुओं का निर्माण करती हैं। उनमें एनर्जी है, वो एनर्जी आप में डाली जाती है। आप सोचो कि हम और आप सब लोग क्या खाते हैं? मिट्टी। पर मिट्टी का ही रूप है एक टमाटर, फल, सब्जियां, सेब, संतरे, ये क्या है? मिट्टी ही तो है। मिट्टी इस रूप में परिवर्तित हो गई है कि उसे हम खा सकते हैं, उसमें एनर्जी है, इसलिए उसमें भोजन डालते हैं। तो ये हमें कमाना नहीं आता, तो इसका मतलब हमें समझ नहीं है। अब समझ नहीं है तो मान लो समझ नहीं आई किसी डिफेक्ट के कारण, तो उसका भी भरण पोषण करना जिन्होंने जन्म दिया उन्हीं का काम है। वो उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होते। वैसे तो 18 साल पर मुक्त हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आई तो मुक्त नहीं होते। आपने कभी देखा हो, चिड़िया अभी दूर से कुछ भोजन लाएगी, छोटे बच्चे होते हैं वो इंतजार करते हैं, उनके मुंह में देगी। इतनी समझ प्रकृति ने उन्हें भी। 18 साल या उससे कम का, 18 साल से कम का बच्चा भी उस घोंसले की तरह ही है। जो घोंसले में बैठा बच्चा है उसका ध्यान रखना। 18 साल तक ये मानते कि समझ पर्याप्त हो जाती है तो फिर वो आपसे अलग काम कर सकता। अब समझ नहीं आई 18 साल, लोग 50-50 साल के हो जाते हैं। हमारे एक परिचय जज साहब थे, उनकी एक बिटिया थी, उसकी उम्र 50-55 साल थी, लेकिन वो 14-15 साल का जो बच्चा होता है और भी छोटा, बिल्कुल वैसी ही समझ विकसित। तो उनके लिए भी यदि उनके भरण पोषण की बात आए तो माता पिता उसके लिए भी जिम्मेदार। दूसरी बात आती है कि भारत इस प्रकार का एक देश है जिसमें कमाने की प्रकृति, धन अर्जन की प्रकृति महिलाओं के पास कम है, या कम, बहुत कम महिलाओं के पास। जब बहुत कम महिलाओं के पास है, पर उन्हें एक चीज आती है, वो अच्छा खाना बना देंगी, वो अच्छा घर साफ सफाई कर देंगे और बच्चा पैदा करने में आपका सहयोग भी कर देंगे। लेकिन जिस तरह धन की आवश्यकता पड़ती है, कमाने की, धन कमाने के तरीके हैं। जैसे एक व्यक्ति जाता है, जॉब करता है, उसके बदले धन लेके आता है, खाना खाता है। आप देखोगे बंगाल की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, या बिहार की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनमें धन कमाने की कम से कम इतनी जानकारी जरूर है कि वो कुछ नहीं होता तो वो एक समझ में आ गई कि भाई अपना खाना तो हम बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कभी ऊर्जा थी, मानसिक ऊर्जा तो है, या कभी किसी का पैसा था, अब उनके पास मानसिक ऊर्जा है, धन है, पड़े रहते हैं सोफे पे, उठा नहीं जाता पानी के लिए। तो ऐसे घरों में झाड़ू पोंछे, बर्तन साफ सफाई करके क्योंकि वो उन्हें वही आता है, तो उनसे भोजन क्या करती हैं, ले आते हैं, भोजन की व्यवस्था कर लेती है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति जो पुरुष है, पुरुष को ये काम आना ही चाहिए। महिला को नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन जिस महिला को आता है, मान लो महिला पढ़ाई कर ली, लिखाई कर ली, आरजेएस बन गई। अब जिस हस्बैंड से शादी की थी वो सामान्य था, वो नहीं बन पाया। आरजेएस बनने का मतलब है कि आप में कितनी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा, यदि आप में ऊर्जा नहीं है तो ये सच मान लीजिए आप कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो ऊर्जा का ही रूपांतरण है आरजेएस, कभी नहीं बन पाएंगे। ऊर्जाविहीन व्यक्ति बन नहीं पाएगा, क्योंकि ऊर्जावान उस सीट को छिना लेते हैं। लुंजपुंज आदमी के काम का नहीं है। ये तो कुछ किसी को लगता है कि मैं लुंजपुंज हूं तो अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, उसे कोई दूसरा कार्य करना चाहिए, वो प्रतिस्पर्धा में रह जाएगा। या ऊर्जा इकट्ठी करनी चाहिए, ऊर्जा लानी चाहिए, बिल्कुल प्रफुल्लित उसके चेहरे से लगना चाहिए कि शानदार ऊर्जावान व्यक्ति है, हल्का व्यक्ति। तो लड़की आरजेएस बन गई। अब लड़के में इतनी समझ ही नहीं है, नहीं हो पा रहा भोजन की व्यवस्था। तो पुरुष को भी ये राइट दिया हुआ है कि वो अपनी पत्नी से अपने लिए कुछ भरण पोषण, जो मेंटेनेंस, जो उसकी जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए पैसा ले ले। लेकिन इस दंड प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान पुरुष को नहीं है। इसमें ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ किसको है? महिलाओं को, बच्चों को, माता पिता को। महिलाओं को क्यों है? जब बराबर है तो महिलाओं को क्यों है? जब जो वाकई में इक्वल है वो नहीं मांग सकती, उनके लिए नहीं है। ये प्रोविजन है अपर्याप्त साधनों वाली महिला। कैसी महिलाएं? मान लो पति आरएएस अफसर है, पत्नी भी आरएएस है, उसे कोई मेंटेनेंस इस सेक्शन में नहीं मिलेगा। ये तो किनके लिए है? ऐसी महिलाएं जिनमें ऊर्जा तो बेचारियों में है, खूब है, ऊर्जा से लबालब है, लेकिन वो तरीका उनको नहीं आता। कौन सा? जिससे ऊर्जा का रूपांतरण कैपिटल में होता है। कुछ सामाजिक मर्यादाएं हैं। बंगाल की लड़की तो मान लो राजस्थान में आ गई है, उसे लगता है कि जगह जगह मैं झाड़ू पोंछा बर्तन कर लूंगी तो मेरे को अपना मेंटेनेंस मैं इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन कोई मध्यम वर्ग की महिला है, वो पड़ोस में कैसे जाए झाड़ू पोंछा बर्तन करने? तो जो लेकर आया था, जिसने शादी की थी, विवाह किया था, ये उसकी ड्यूटी है। CrPC उसकी ड्यूटी फिक्स करती है कि तुम्हें उसका भरण पोषण करना होगा। विवाह क्या है? विवाह है एक महिला और पुरुष का जीवन यात्रा तक। जीवन यात्रा क्या है? मृत्यु। लक्ष्य वही है, स्टॉपेज। हर एक को वही उतरना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई कितना ही सोचे, एक न एक दिन उतरना ही पड़ेगा। तो अकेले थक जाता है कोई, तो वो किसी महिला के साथ चलो, साथ साथ वहां तक तो चलना ही है। हंसी खुशी चलेंगे, अपोजिट सेक्स के साथ थोड़ा सा आनंददायी प्रतीत हो। उस जीवन यात्रा में व्यक्ति अपने लिए बच्चे भी पैदा कर लेता है कि चलो और हंसी खुशी में। यही तो विवाह है। विवाह का वो मतलब नहीं है कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अरे उन्हें मत पहनो, वैसे भी कर लो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना? जिसे आप मृत्यु के यात्रा तक लाए, और जरूरी नहीं है कि जीवन यात्री आपको पूरी रास्ते भर पसंद आए। जो पसंद नहीं आता तो हाथ छूट जाता है, तो फिर दूसरे लोगों को पकड़ लेते हैं। और मन तो पकड़ेगा, एक नहीं दूसरे को पकड़ेगा, दूसरा नहीं तीसरे को पकड़ेगा। एक स्वभाव है मन का, ऐसे ही करता रहता है। फिर नई शादियां होती। लेकिन जिनके साथ आप चल रहे हो, तो कानून उससे कहता है कि इसे झाड़ू पोछा बर्तन, साथ में अच्छे से रहना, घर आए हस्बैंड तो सजी समझरी रहेगी, आपसे अच्छे से बात करेगी। लेकिन बेचारी को धन कमाने की ज्ञान नहीं है, और नहीं है तो शादी की है तो ये जिम्मेदारी आपकी है। और नहीं दिया, मान लो न्यायालय में चली गई, नहीं दे रहा है कोई आदमी, तो एक बार गलती करने पर 1 महीने की सजा भी है। अब कोई कहता है जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ। जैसे मेरे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, उसने मेंटेनेंस मांगा, आरजेएस की तैयारी कर रही। अब हस्बैंड पैसे वाला था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। गांधी पथ पे वैशाली में जो आपने देखा था ना, एक बहुत सारे वो तोड़ दिए थे, यादवों की जमीनें थी, बहुत सारी एरिया तोड़ दिया था और अभी मॉल बन गए हैं। उन्हीं परिवारों में उसकी शादी हुई। पैसे वाले अभी भी हैं, उन्हें जगह मिल गई है, अभी भी मिल गई, पैसे की कमी नहीं। पर वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, शायद 7वीं 8वीं 10वीं रहा होगा, और वो LLB कर रखा था। लड़की के पिता आर्मी में अच्छे अफसर थे। धन को देखकर लड़के से शादी कर दी और उनका आपसी सामंजस्य नहीं बैठा। उस लड़की के एक बेटा भी था, उसने मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया। अब मैंने उसको कहा, मुझसे पूछा उसे, मैंने कहा थोड़ी सी ज्यादा समझ रही तो वो कहेगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है। उन्होंने कहा लॉ कर रखा है। तो लॉ कर रखा है तो आप तो अपना आप कानून की पढ़ाई जानती हैं, आप अपर्याप्त साधन वाली नहीं है, आपके पास तो जबरदस्त साधन है। कानून की पढ़ाई करने वाले लड़के लड़कियां बहुत सारा धन कमा रहे हैं, तो हम आपको मेंटेनेंस क्यों दें। उन्होंने कहा सर वो ऐसे कह रहा था। तो मैंने कहा सही है। बोले मैं लॉ करूंगी, मैं जाऊंगी नहीं कोर्ट में प्रैक्टिस करने। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास साधन है। मान लो आपके पास कार है और आप कहे हम तो चलाना जानते नहीं, या हम नहीं चला रहे उसको, हमारी वाली कार को नहीं चला रहे, इससे कोई असर नहीं पड़ता। बहुत सारे बेवकूफ सिर्फ इस चक्कर में नौकरियां छोड़ छोड़ के बैठ जाते हैं। और जी हम तो नौकरी नहीं है हमारे पास। अरे तुम्हारे पास ज्ञान है ना। तो अपर्याप्त तो साधन किसके पास है, किसके। तो महिलाओं को, कौन सी महिलाओं को भरण पोषण मांगने का अधिकार है? जिनके पास साधन नहीं है। एक महिला पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी है, कोई इस तरह की समझ नहीं है, उसे चाहिए, साधन नहीं है उसके पास। अब ये बात आती है स्टेटस की। इसमें भरण पोषण जिसको भी देना होगा, जैसे एक आदमी बहुत पैसे वाला है, माता पिता है उसके, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन उनके पास जब ऊर्जा कम हुई उन्होंने मेंटेनेंस मांगा। खेती बाड़ी करने के साथ साथ कभी मुखिया रहे, कभी मतलब एक अच्छे स्टेटस के व्यक्ति हैं, तो उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अपने बच्चों को भी स्टेटस के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। सोसाइटी में आपकी क्या इमेज है, आपका स्टेटस क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। पत्नी है तो पत्नी को भी स्टेटस के अकॉर्डिंग देना। काम तो 5-7 हजार रुपए में भी चल जाता है, 10 हजार रुपए में भी चल जाता है, लेकिन किसी का स्टेटस शुरू से ही हाई हो लेकिन कमाना नहीं जानती, तो उसके स्टेटस के अनुसार पैसा देना पड़ेगा। इसमें कोई ये नहीं बताया हुआ कितना रुपया देना पड़ेगा। आपका स्टेटस क्या है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, ये तथ्य का प्रश्न है कि कोई महिला, बच्चे या पिता, पत्नी, बच्चे और पिता अपर्याप्त साधन वाले हैं या नहीं। जैसे मान लो एक बेटी है, उसकी उम्र 15 साल है, लेकिन वो गायक कलाकार है, डांसर है, लाखों रुपए उसे आते हैं, और वो अपने पिताजी से कहती है कि मेरे को मेंटेनेंस दो। तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। एक पहले एक पता नहीं अब तो खैर बड़ी हो गई होगी, एक लड़की बहुत अच्छा गाती थी, छोटी सी बच्ची थी, जयपुर में भी आई थी। ऐसी लड़की मांगने लगे अपने माता पिता से मेंटेनेंस। तो अपर्याप्त साधनों वालों के लिए, अब जो भी इसमें पीड़ित हो जाए, पीड़ित का मतलब जिसके पक्ष में निर्णय ना आए, वो सेशन जज के यहाँ अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? सेशन जज के यहाँ। मैंने आपको इस चैप्टर की, पूरे चैप्टर 9 की जिस्ट बताई थी, जिसमें 125, 126, 127, 128 ये सेक्शन है, और ये चैप्टर मैंने कंप्लीट बता दिया आपको। यही बातें हैं इसमें। और जो भी पीड़ित है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकता है। एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी साहबानू, उनकी उम्र रही होगी 65 साल, हस्बैंड की उम्र रही होगी 75 साल। हस्बैंड बहुत बड़े वकील थे, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े वकील। अब उनकी शादी साहबानों से हुई, उनके बड़े बड़े बच्चे, बच्चे बड़े बड़े काम करते थे, सारा अच्छा, बहुत पैसे वाला परिवार। तो उनमें उनकी बात बिगड़ गई। 65 साल की एज में उन्होंने कहा मेरे को तलाक दो। बोले ठीक, तलाक दे देते हैं। तलाक देने के बाद वो बोली मेरे को मेंटेनेंस दो। बोले मैं तो नहीं दूंगा। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई आवश्यकता थी, लेकिन दोनों अड़ गए, मैं तो नहीं दूंगा। मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिया, वकील साहब पैसे दो। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, स्टेट से सेशन से फिर हाई कोर्ट पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि सीआरपीसी का यह सेक्शन मुस्लिमों पर लागू नहीं होता है। हाई कोर्ट ने कहा क्यों नहीं लागू होता है, सबके लिए, ये मुस्लिम अलग थोड़े ही है। क्योंकि उन्होंने कहा कि इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस देने का मुस्लिम लॉ कहती है। इद्दत समझते नहीं, लॉ करे इद्दत समझती है, सब समझते हैं इद्दत, सब गर्दन हिला रहे हैं। अरे इद्दत का मतलब ये है कि महिला पुरुष के कोई संबंध रहे होंगे, ये जांच करना। भाई पहले कोई मशीन तो थी नहीं कि कहीं महिला ऐसा तो नहीं है कि उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। उस पीरियड को देखना होता है चंद्रमास के आधार पर कि ये इतने दिन तक मां नहीं बनती है। जैसे 3 महीने का समय उन्होंने इद्दत की अवधि का शुरुआत में था, फिर अलग अलग समय पर समय अवधि रहेंगी। बोले उसी समय तक दूंगा मैं, तो बाद में मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ नहीं देती। मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा मुस्लिम लॉ का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, नीचे के लेवल पर तो सामान्य मूर्ताएं तो बराबर हैं, हिंदुओं में भी उतनी है मुस्लिमों में भी उतनी है, व्यक्ति सब ऐसे ही है। वो मुस्लिम सिर्फ इसलिए हैं, वो हिंदू सिर्फ इसलिए हैं कि उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला गया है। कल अनंत को लेकर किरण एक कैब से कहीं गई, तो उसकी नानी भी बैठी थी, वो बैठा था, कैब में वो जा रहे थे। उसने पूछा कि मम्मा ये क्या है, तो सामान्यतः पे आपने देखा होगा कि कारों में गणेश जी की तस्वीर लगा लेते हैं लोग। एक उन्होंने कहा ये क्या है, कि ये गणेश जी हैं, और गणेश जी के पास ही उसने शिव जी की भी लगा रखी थी। उन्होंने कहा ये क्या है, कि ये इसके पिताजी, कि पापा, इसके पापा। ये बच्चा तो नहीं जानता कि गणेश जी क्या है शिव जी क्या है। आप होते तो उस रबड़ के बने हुए तस्वीर की तरफ तत्काल झुक गए होते, लेकिन धीमे धीमे सॉफ्टवेयर उसके डालती रही उसकी माँ, तो एक दिन वो भी झुक जाएगा, चाहे वो रबड़ ही सही, तो सॉफ्टवेयर ही तो है। तो लोगों की मूर्ताएं तो बराबर हैं, तो उनका कोई लेना देना नहीं था। पूरे देश में आंदोलन हो गया इस बात को लेके कि साहबानों के मामले में ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दे दिया, हमारा धर्म खराब हो जाएगा। और इस देश में बल्कि दुनिया भर में जो सबसे शातिर कौम है वो राजनीतिज्ञ है। राजनीति का मतलब ही है बेईमानी, राजनीति का मतलब ही है चालाकी, राजनीति का मतलब ही है बदमाशी। ठीक है, तो जो राजनीति है, तो राजनीतिज्ञों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन खड़ा कर दिया, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने संसद में चेंज करा दिया साहबानू केस कि ठीक है इद्दत की अवधि तक रहेगा। और 1939 के मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम में भी चेंज कर दिया। बाद में उन्हें लगा कि तो ठीक है अब जो हो गया। सुप्रीम कोर्ट के और जजमेंट आए, फिर भी हिंदू मुस्लिम महिलाओं पर उसी रूप में सीआरपीसी की 125 अभी भी लागू होती। तो ये साहबानों का इसका केस था। तो इस प्रकार मैंने आपको कहानी के तौर पर पूरा 125, 126, 127, 128 ये मैंने आपको बता दिया। इसमें तुरंत कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाते हैं, सब मेंटेनेंस नहीं दे रहा, इसने शादी की थी, या मेंटेनेंस नहीं दे रहा, ये मेरा पिता है या मेरी माँ है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, ये मेरे बच्चे हैं, हमारे हम बूढ़े हो गए, ठीक है ना, इसके लिए है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मैं डिटेल में आपको इसलिए बताया, कुछ चीज़ें आवश्यक थी, तो इसे आप लिख लीजिए, अभी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं, इसमें से क्वेश्चन साथ साथ देख के चलिए। एक बार अपना बैरक खोल लीजिए। चैप्टर का नाम है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, पत्नी, संतान और माता पिता का भरण पोषण के लिए आदेश। जैसा कि चैप्टर से प्रतीत होता है, चैप्टर जैसा कहता है, सबसे पहले पत्नी का नाम आया। किसका आया? पत्नी। इसका मतलब पत्नी को दे रहा है, पति। पत्नी को कौन देगा? कोई और के लिए नहीं लिखा हुआ। किसके लिए लिखा है? पति। किसके लिए लिखा है? पति। माता पिता वो बच्चे, तो बच्चे अर्थात संतान, चिल्ड्रन। तो संतान किससे मांगी? संतान का मतलब ही है या तो माँ है या पिता है। माता पिता किससे मांगेंगे? या तो बेटा होगा या बेटी होगी। तो मेंटेनेंस मांगी किससे जाएगी, ये तो इसके चैप्टर से क्लियर है, और कौन देगा ये भी इसमें क्लियर है, ठीक है ना। 125। अब एक एक चीज देखते चले जाइए। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति। अब देखना यहाँ पे सबसे पहली बात इसने कहा पर्याप्त। अब देखो यहीं से समझने की कोशिश करो, पता क्या कह रहा है। अब पर्याप्त साधनों वाला नहीं आता, आप उससे क्या लोगे। जैसे एक आदमी नौकरी छूट गई है अभी इस समय वर्तमान में, अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी चल रही है देश में, अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई दर चल रही है देश में, इन सालों में सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे ज्यादा बेरोजगारी चल रही है। अब एक आदमी की बेचारे की नौकरी छूट गई और महंगाई इतनी के लाले पड़ रहे हैं खुद के। अब ऐसी स्थिति में पत्नी चली गई मायके और अब वो रहना नहीं चाह रही है, तो उसके खुद के लाले पड़ रहे हैं और मेंटेनेंस का केस कर दिया। जैसे तैसे कोर्ट में पहुंच गया, उन्होंने कहा साहब मेरे पास तो वकील केस देने के भी पैसे नहीं है। बोले क्या कर रहे थे? बोले पहले तो नौकरी कर रहा था, नौकरी छूट गई, नौकरी है ही नहीं, सब छटनी कर दी, कंपनियों की हालत खराब चल रही, घाटे में चल रही है, तो लोगों को निकाल दिया जो कम काम कर रहे थे। निकलते कौन है? कंपनियों में से किसको निकाला जाता है? सबसे पहले कम काम करने वाला। जैसे आपने बोला कम काम करता है, कम आदमी काम क्यों करता है? बस एक ही कारण है, जहां ऊर्जा का अभाव होगा आदमी आलसी हो जाएगा। ऊर्जा के अभाव के कारण कैसा हो जाता है? आलसी। जब ऊर्जा लबालब होती है ना, तो वो भागता फिरता है, उसे तो रुका ही नहीं जाता, उससे बैठा ही नहीं जाता, कुछ न कुछ चाहिए उसे काम करने के लिए, आलस पकड़ लेता है उसको। तो जी निकाल दिया उसको। बोले पत्नी को मेंटेनेंस दो। बोले मेंटेनेंस तो कहाँ से दूं, रोजाना ही इंदिरा रसोई में खाना खा रहा हूँ 8 रुपए में रोजा, और 8 रुपए की जैसे तैसे व्यवस्था करता हूँ। इंदिरा रसोई वाला भी फ्री में नहीं खिला रहा, 8 रुपए ले रहा है, भरपेट भोजन 8 रुपए में। खाया कभी? कल देखा मैंने, तो मैंने कहा एक दिन खा के आएंगे, देखे तो सही भोजन है कैसा, या वैसे ही प्रचार है। एक बार मेरा मन था कल कि किसी दिन जाके एक दिन इंदिरा रसोई में खाना खा के आए, यहाँ भी है चौराहे पे, तो सरकार खिला रही है 8 रुपये। आप लोगों ने खाया? खा सकते हो, 8 रुपये में दे रही सरकार, क्या दिक्कत है। स्टेटस ऊंचा, अरे भोजन तो वही 50, 70, 60, 70 रुपये का होगा, वो सब्सिडी से दे रहे हैं, सरकार बना रही है, मना थोड़ी है भाई। जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं वो तो खाएंगे, और स्टूडेंट्स के पास तो पर्याप्त साधन वैसे ही नहीं होते, तो आप लोगों को जरूर खाना चाहिए। है खराब है तो बात अलग है, और स्टूडेंट को अपनी शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं तो नहीं जा पाता था, मेरे को भी आती थी, और हमारे जितने दोस्त थे ना देखते थे यार वहाँ शादी है, अब शादी में एक जने के लिए कार्ड आया, सारे 5-7 जानते थे, और वो जाके मुश्किल से 21 रुपये देता था, और देने वाला उस समय होता था वो फैल जाते थे 2000 बार, पता लग रहा है 11 जने खाने आए। तो ध्यान रखते थे किसके यहाँ शादी हो रही है। तो उसने कहा कि जी मैं तो इंदिरा रसोई में खाना खा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो वो कैसा व्यक्ति है, अपर्याप्त साधन वाला। नौकरी नहीं है, नौकरी एक साधन है। नौकरी क्या है, साधन है। खेती क्या है, साधन है। मान लो ओले पड़ गए, खेत सारा नष्ट हो गया, और कह रही है पत्नी मेंटेनेंस दो। अरे कहाँ से मेंटेनेंस दें, सारा खत्म हो गया, खेती में कुछ हुआ ही नहीं। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, लेकिन आलू के दाम ही नहीं बढ़े, आलू के दाम ही नहीं बढ़े। मेरे को बड़ा घाटा लगा इस बार, इतने सारे खेती में आलू करते हैं, आलू के दाम नहीं बढ़े। आलू क्या भाव चल रहा है आपके, क्या भाव लाते, 20 ला रहे हो क्या, तब तो ठीक ला रहे। हमारे यहाँ तो 7-8 रुपए किलो ही बिक रहा है। 50 किलो का जो कट्टा है वो 300 रुपये में मिल जाता है। कितने रुपए में, 300 रुपये। अब 150 रुपया जो कोल्ड स्टोरेज वाला है वो ले लेता है। बच्चे कितने, 150। 150 रुपये में 50 किलो आलू, कितने रुपए किलो हो गए, 3 रुपया किलो। और लागत आती है कहीं ज्यादा। तो बहुत सारी चीजें बड़ी। और ये तो ध्यान क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पर्याप्त साधन है या नहीं है। उससे मेंटेनेंस नहीं दिलाया जा सकता जिसके पास साधन नहीं। कोर्ट में जब आप जुडिशियल अफसर होगे, आपके सामने ये रोज आएंगे ऐसे, ये तो ये केस तो शुरू से ही सुन रहे होते हैं, छोटे छोटे मजिस्ट्रेट सुन रहे होते हैं। इसके लिए बहुत सीनियर होना जरूरी नहीं है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, भाई इसके पास कुछ है या नहीं है, पर्याप्त तो साधन है या नहीं। मेंटेनेंस मांगा किससे जा सकता है, पहले तो पर्याप्त तो साधन होने चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अपनी पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। देखो, निम्न को भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी होगा। पहली बात, किसको, वाइफ, पत्नी। अब लेकिन वाइफ कौन सी, कैन नॉट मेंटेन हरसेल्फ, जो भरण पोषण, स्वयं भरण पोषण नहीं कर सकती है। उल्टा करके पढ़ लो इसको, Who can maintain herself, she cannot demand। जो अपना भरण पोषण करती है, जैसे अभी केस आया मेरे पास, एक लड़की ने PhD कर रखा है, नेट कर रखा है, मेंटेनेंस मांग रही है। क्या मांग रही है, और कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रखा, पढ़ाने के नहीं जाती, किस लिए, कि मेंटेनेंस मिलेगा इसलिए नहीं जा रही। मतलब कभी कभी दो दुश्मनों में भी शादियां हो जाती हैं। वो पूर्व जन्म के दुश्मन हैं और एक दूसरे के प्रति सोचते रहते हैं कि एक न एक दिन देखूंगा तेरे को। दोनों देखने के चक्कर में रहते हैं। तो अस्तित्व क्या करता है, क्योंकि दोनों के दिमाग में वही चलती रहती है कि दोनों को कनेक्ट कर देता है, और फिर शादी के तौर पर बांध देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। बच्चे भी पैदा करते हैं, ऐसा नहीं बच्चे पैदा नहीं करते, बच्चे भी होते हैं उनके, और वो देख रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, यदि उनके पुराने जन्म में जाके देखने की व्यवस्था हो तो पता लगेगा कि वो दोनों ही दुश्मन थे। तो वो अभी आया मेरे पास ये केस। तो वो क्या कहती है, अब पता है नेट कर रखा है उसने, नेट कर रखा है, PhD कर रखी है, तो 30-35 हजार रुपए की तनख्वाह कहीं पे भी मिल जाएगी उसको। पॉलिटिकल साइंस में कर रखी है, लॉ में कर रही होती तो हम ही दे देते, तो समस्या नहीं। तो वो मेरे पास आए, वो मेंटेनेंस मांगेगी। मैंने कहा क्या कर रखा है उसने, बोले पढ़ाई लिखाई सब कर रखी है। मैंने कहा उसे मेंटेनेंस मिलेगा नहीं, बोले उसने जॉब इसीलिए नहीं कर रखी। अच्छा मेंटेनेंस मिलेगा भी तो कितना, मान लो वो 7-8 हजार रुपये, उसके लिए वो 40 हजार रुपये की नौकरी छोड़े बैठी। अच्छा मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि डिग्रियां हैं उसके पास। तो क्या लाइन लिखी है, जो भरण पोषण करने में कैसी है, असमर्थ है। आप लोगों के सामने कभी कोई इस तरह का मामला आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वेदर सी कैन अर्न herself or not, if she is able to earn money तो उसे नहीं देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरा है धर्मज अधर्मज अवयस्क, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। अब देखो इनके साथ भी अनेबल टू मेंटेन, और तीसरा माता पिता, इनके साथ भी सेम है, भरण पोषण करने में असमर्थ है माता पिता। तो निर्देश कौन देगा इन सब के लिए, कितना, जितना मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। और चौथा एक तरह से मासिक भत्ता है, उतना मासिक भत्ता नहीं ले, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आदेश दे सकता है। कितना पैसा देगा, एज मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, जैसा मजिस्ट्रेट को ठीक लगे, जैसा मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। अब देखो यहां, अब उस लड़की से क्या लगा रहा है, मेंटेनेंस दो, तो यदि पति के पास पर्याप्त साधन है ना तो नहीं मिलेगा। देखिए प्रोविजन देखें, प्रोवाइड दैट मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ ए माइनर फीमेल चिल्ड्रन रेफर टू इन क्लॉज बी मेक सच अलाउंसेस अंटिल सी अटेन्स हर मेजॉरिटी, इफ द मजिस्ट्रेट इज satisfied that husband of such minor female child married is not possessed of a sufficient means। मजिस्ट्रेट में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह अवयस्क नहीं हो जाती है। मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के साथ वह अविवाहित है, पर्याप्त साधन नहीं है। फिर है प्रोवाइड फर्दर दैट द मजिस्ट्रेट मे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन।